हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्स फोर्स एडमिन फॉर्म स्केच के चैप्टर 10 में। आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ें समझने वाले हैं, पेज लेआउट क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट लेआउट क्या होते हैं और रिकॉर्ड टाइप क्या होते हैं सेल्स फोर्स के अंदर। देखते हैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे तीनों चीज़ें। ओके गाइज, तो मैंने सेल्स फोर्स में लॉग इन कर लिया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऐप बनवा दिया था जो हम अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको ऐप लॉन्चर पर क्लिक करना है और अपना वो ऐप ओपन कर लेना है जिसका हमने नाम रखा था एयरलाइन रिजर्वेशन। तो मैं एयरलाइन जैसे यहाँ पे डालूंगा तो आप देख रहे हो मेरा ऐप ही पॉपुलेट हो रहा है। मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना है, मेरा वो पर्टिकुलर ऐप ओपन होके आ जाएगा। तो मेरा ये ऐप ओपन होके आ गया। इसमें मैंने एयरलाइन का ऑब्जेक्ट डाला था, पैसेंजर डाला था, बुक, फ्लाइट, एम्प्लॉय, ऑनबोर्डिंग, जितने भी ऑब्जेक्ट अभी तक हमने बनाए हैं इस प्रोजेक्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ठीक है, अभी यहाँ से आपको क्लिक करना है गियर आइकॉन पर और सेटअप पर जाना है। सेटअप पर भी जा सकते हो आप, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप पर्टिकुलर पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हो और आपको पैसेंजर ऑब्जेक्ट पे बैकएंड में जाना है, तो यहाँ पे अगर आप गियर आइकन पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि एडिट ऑब्जेक्ट का भी एक ऑप्शन आता है। अगर मैं इस पर भी क्लिक कर देता हूँ तो डायरेक्टली वो मुझे कहाँ पर ले जाएगा, पैसेंजर ऑब्जेक्ट के बैकएंड में ले जाएगा। तो आप देखोगे पैसेंजर ऑब्जेक्ट का बैकएंड डायरेक्टली ओपन होकर आ गया है। ठीक है गाइस, तो हम आज तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे आज काम करूँगा। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे मैं जाता हूँ और इसके मैं किस पे चला जाता हूँ गाइस, बैकएंड में ऑब्जेक्ट पे चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये ओपन होके आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय का जो बैकएंड व्यू है ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर ओपन होके आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी हैं अभी, जो कुछ मैं आपको बता भी चुका हूँ, जैसे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप क्या है, हम फील्ड्स बनाते हैं हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी एक ही, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चार फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि क्रिएटेड बाय, एम्प्लॉय नेम, लास्ट मॉडिफाई नेम और ऑनर। ठीक है, तो फ्रंट एंड पे अगर आप देखोगे जब मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो ऑनर दिखाई देगा, एक आपको जो एम्प्लॉय का नेम है, नेम वाला फील्ड यहाँ पर दिखाई देगा। जो बाकी की बची हुई दो फील्ड हैं, जो लास्ट मॉडिफाई, क्रिएटेड बाय, वो आपको कब दिखती हैं, जब आप इस डेटा को सेव कर देते हो। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक डेटा में यहाँ पे सेव कर देता हूँ, समीर नाम से मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना देता हूँ, तो आप देखोगे कि अब मुझे ये चारों फील्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, पहले दो ही दिख रहे थे, अब मुझे ये चारों, क्योंकि क्रिएटेड बाय और लास्ट मॉडिफाई तो जब भी दिखेगा ना, जब वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चार फील्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे फील्ड्स भी बनाएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, ये जो पेज लेआउट एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है। तो पेज लेआउट क्या होता है बेसिकली, पेज लेआउट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप फ्रंट एंड पे जब व्यू करते हो तो वहाँ पे जो आपको लेआउट दिखता है उसको आप पेज लेआउट बोलते हो। जैसे कि ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इसका जब मैं फ्रंट एंड व्यू ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का फ्रंट एंड व्यू ओपन कर लिया। अब जब मैं किसी रिकॉर्ड को ओपन करता हूँ, सपोज़ मैं ये समीर अभी मैंने बनाया था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये वाला पेज, इसको हम बोलते हैं पेज लेआउट। ठीक है, कि आपको लेआउट पे क्या दिख रहा है वो आपका कहाँ से कंट्रोल होता है, पेज लेआउट से कंट्रोल होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय लेआउट एक आपका बना हुआ है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के नाम से एक लेआउट बन जाता है। अगर मैं इस लेआउट को ओपन करता हूँ, तो मैंने ये लेआउट ओपन करा, तो इस लेआउट को जब मैं ओपन करूँगा तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ़्ट साइड में फील्ड्स, बटन, जो जो मुझे ऐड करनी है चीज़ें वो सारी यहाँ पे दिख रही हैं, जो जो फील्ड्स आपने बना रखी हैं वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये सारी फील्ड्स कहाँ पे हैं, अगर मैं क्लिक करूँगा सपोज़ एम्प्लॉय नेम पे, तो वो मुझे लेके चला जाएगा कि ये रहा एम्प्लॉय डिटेल का जो सेक्शन है, यहाँ पर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय नेम डाला हुआ है, ऑनर डाला हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। तो अगर मैं कोई भी फील्ड यहाँ से, अब मैं देखो ये चारों मेरे लिए मैंडेटरी हैं, तो मैं यहाँ से कोई रिमूव भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा बेसिकली लेआउट है। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, सपोज़ मैं कुछ फील्ड्स और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे एक नया फील्ड बनाता हूँ जिसका हम नाम रखते हैं डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसके लिए डेट का मैं एक फील्ड ले लेता हूँ, डेटा टाइप ले लेता हूँ सॉरी, और यहाँ पर हम एक डी ओ बी का फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं, विजिबल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब हम नेक्स्ट करते हैं तो हर नेक्स्ट का एक जो नेक्स्ट के बाद एक स्क्रीन खुल के आती है, उस पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझनी। जैसे अभी ये वाला स्टेप 4 अगर आप समझ रहे हो,
तो ऐड टू पेज लेआउट, वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो फील्ड आप बना रहे हो आपको कौन से लेआउट पे दिखानी है। तो अभी तो आपका एक ही लेआउट यहाँ पे अवेलेबल है, तो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट होके आ रहा है। तो इसको मैं अगर सपोज सेलेक्ट ना करूँ और इसको मैं सेलेक्ट ना करके सेव कर दूँ, तो आप देखोगे कि ये मेरा फील्ड तो क्रिएट हो गया DOB, बट मैं यहाँ पे जाके इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वो फील्ड पेज लेआउट पे नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको सेलेक्ट ही नहीं किया था। ठीक है गाइस, अगर मैं अब पेज लेआउट पे जाऊँ और इसको ओपन करूँ, तो आप देखोगे कि ये वाली फील्ड DOB यहाँ पे मुझे शो हो रही है, क्योंकि ऊपर ही वो अभी पड़ी हुई है, पेज पे मैंने डाली ही नहीं है। तो मैं इसको अगर पेज पे नीचे ड्रैग करना है, आपको जस्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर देना है सिंपल, और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा, अब मैंने वो अपनी पेज लेआउट पर डाल दी है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो वो फील्ड मेरी यहाँ पे शो हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं अब वो पेज पे मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो आप देख रहे हो DOB मेरा अब यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है गाइस, अभी मैं कुछ और फील्ड यहाँ पे सपोज बनाता हूँ, जैसे कि हम एक फील्ड बना देते हैं अपना, एक आधार नंबर का फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, आधार नंबर, ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। ये लेंथ मैंने यहाँ पे सेट कर दी उसकी 12, नेक्स्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। तो आधार नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट में वहाँ पे शो करा दिया मैंने। अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा इसको, तो इस बार मैंने उसको अनटिक नहीं किया था लेआउट को, तो आप देखोगे चेंजेस कई बार आप देखोगे तो देखो, जैसे अभी मैं दो बार रिफ्रेश कर चुका हूँ, मैंने वहाँ पे अनचेक भी नहीं किया था, बट मुझे यहाँ पे चेंजेस शो नहीं हो रहे हैं। तो कई बार होता है कि वो रिफ्रेश करने में, या फिर आप रिफ्रेश नहीं कर रहे, या फिर उधर सेल्सफोर्स की तरफ से ही कुछ ऐसा इशू होता है कि वो चेंजेस लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको पेज लेआउट पे दिखाऊं, तो मैंने वो फील्ड ऑलरेडी ऐड कर दी थी आधार नंबर। इसको सपोज मैं इसके सामने यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ एक बार, और दोबारा से सेव कर देता हूँ। एक बार हम दोबारा से उसको रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बार मुझे वो फील्ड शो हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके लिए या तो लॉग आउट लॉग इन कर सकते हो। एक बार अगर मैं इसको लॉग आउट करूँ यहाँ से, और दोबारा से हम लॉग इन करके एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, या फिर हार्ड रिफ्रेश भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैं अगर इसको लॉग इन करता हूँ दोबारा से, और एयरलाइन पे मैं जाता हूँ, ये सारी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आती हैं सामने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार होता है कि आपने फील्ड ऐड करी, लेआउट पे भी ऐड करी, बट वहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं अगर अभी आपको ओपन करके दिखाऊं, तो आप देख रहे हो आधार नंबर मुझे अभी यहाँ पे शो हो गया। तो वो चेंजेस कई बार होता है कि नहीं लेता है एकदम से। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मैं इसको एडिट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। मुझे कुछ फील्ड्स और यहाँ पे ऐड करने हैं, तो कुछ फील्ड्स और ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे एक पेज लेआउट बनाता हूँ, एक पेज लेआउट और नया बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो वो पेज लेआउट नया हम क्यों बना रहे हैं, मैं उसका भी आपको रीज़न बताऊँगा। ये आपको एम्प्लॉय लेआउट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं एक न्यू लेआउट बनाता हूँ, जिसका नाम हम रखते हैं टेक्नीशियन मैंने इसका नाम रखा। अच्छा, एग्जिस्टिंग पेज लेआउट से ही मैं फील्ड ले लेता हूँ अभी इसकी, क्योंकि अभी चार ही फील्ड पड़े हैं, वो सारी टेक्नीशियन को भी चाहिए, वो सारी मैं टेक्नीशियन के लेआउट पे भी दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, एक मैंने टेक्नीशियन का लेआउट बना दिया गाइस। अभी मैं एक और यहाँ पे लेआउट बना लेता हूँ न्यू करके, जिसका हम इस बार नाम रखते हैं ग्राउंड स्टाफ। ठीक है, और इसकी हम इसको भी एम्प्लॉय से ही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, दो लेआउट अपने कस्टम बना दिए। तो एक तो मैंने ग्राउंड स्टाफ बना दिया, एक टेक्नीशियन बना दिया। लेआउट का मैं मतलब आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या होता है। ठीक है, अभी ये लेआउट मैंने यहाँ पे बनाए, इसका मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा था न्यू बटन पे क्लिक करके, तो आप देख रहे हो मुझे डायरेक्टली एक फॉर्म खुल के आ रहा था, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने ऑप्शन आए कि ये जो एम्प्लॉय है मेरा, ये एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है, किस तरीके का एम्प्लॉय है, कोई टेक्नीशियन है ये, या कोई ग्राउंड स्टाफ का मेंबर है, या फिर कोई कुक है, या फिर कुछ भी, कितने भी तरीके के एम्प्लॉय हो सकते हैं जो मैं हायर करता हूँ अपनी एयरलाइन के लिए। ठीक है,
तो अभी मैंने यहाँ पे दो तरीके के यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं आपके सामने, एक तो टेक्नीशियन मैंने आपके सामने रखा, एक मैंने क्या रखा है गाइस, ग्राउंड स्टाफ रखा है। तो वो ऑप्शन कैसे आएंगे, वो ऑप्शन कैसे आते हैं, वो ऑप्शन आते हैं रिकॉर्ड टाइप से। तो जब आप ये रिकॉर्ड टाइप पे जाओगे, रिकॉर्ड टाइप, तो रिकॉर्ड टाइप बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रिकॉर्ड है, इसको आप रिकॉर्ड ही तो बोलते हो, इसको आप एक रिकॉर्ड ही तो बोलते हो। मैंने आपको समझाया था कि रोज को आप क्या बोलते हो, रिकॉर्ड, कॉलम को आप क्या बोलते हो, फील्ड्स। तो ये जो रिकॉर्ड है इसका क्या टाइप है, ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के लिए हम अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड टाइप बना लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं एक न्यू पे अगर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे हमने अभी ऊपर आपने देखा था तो हमने टेक्नीशियन का एक पेज लेआउट ऑलरेडी बना चुके थे और एक हम ग्राउंड स्टाफ का बना चुके थे। तो मैं टेक्नीशियन अगर यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो एक टेक्नीशियन टाइप का मैं रिकॉर्ड टाइप बना रहा हूँ गाइस, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप कोई है ही नहीं, तो वहाँ पे मैं किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। सारी प्रोफाइल्स को अभी मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ये नेक्स्ट पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन देखो इंपॉर्टेंट है, असाइन पेज लेआउट। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप पे जब वो ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट जाएगा, तो जो वो फॉर्म खुल के आएगा भरने के लिए, वो कौन सा लेआउट खुल के आना चाहिए। तो टेक्नीशियन मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैं चाहूँगा कि टेक्नीशियन का लेआउट खुल के आए। ये जो ये पूछ रहा है ना, पेज लेआउट पूछ रहा है वो, ठीक है गाइस। तो टेक्नीशियन का मैं लेआउट चाहता हूँ, तो आप देख रहे हो कि सारी प्रोफाइल्स के लिए वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, टेक्नीशियन हो गया। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको फ्रंट एंड पे जाके इसको दिखा भी दूंगा कि ये मैंने किया क्या है। तो रिकॉर्ड टाइप पे हमने देखा कि मैंने एक रिकॉर्ड टाइप बना लिया। अब मैं जाता हूँ दोबारा से, इसको रिफ्रेश करते हैं और न्यू के बटन पे देखोगे गाइस, हम क्लिक करेंगे इस बार। तो न्यू के बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, ओके, अभी भी मेरे सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया गाइस मेरे सामने रिकॉर्ड टाइप का ऑप्शन, क्योंकि क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो रिकॉर्ड टाइप एक ही अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे लिए क्या खोल रहा है, टेक्नीशियन ही खोल रहा है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्ड टाइप है इस टाइम पे, वो क्या है, टेक्नीशियन का रिकॉर्ड टाइप डिफ़ॉल्ट है उसके लिए, ठीक है। अब मैं इसको न्यू करता हूँ, एक और हम यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं जिसका हम नाम क्या रखेंगे, ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ मैंने इसका नाम रखा, इसको भी हम एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, अवेलेबल कराते हैं अपने प्रोफाइल्स के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मेक डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है आपका, तो अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या खुलेगा, ये वाला खुलेगा गाइस, ठीक है। तो मुझे अभी डिफ़ॉल्ट नहीं करना है इसको, बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा नहीं, मतलब ऐसा मत समझना इसको कि ऑप्शन आ रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्यों खुल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट से मेरा मतलब ये है, सपोज़ आप कोडिंग के थ्रू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर आप रिकॉर्ड टाइप पास ही नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सा ले लेगा, जो आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ, ठीक है, उस तरीके का रिकॉर्ड वो उसको बना देगा। पेज लेआउट पे मैं आ जाऊँ, तो मैंने इस बार क्या लिया है, ग्राउंड स्टाफ लिया है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे दो तरीके के रिकॉर्ड टाइप मैं यहाँ बना चुका हूँ गाइस, दोनों ही मेरे एक्टिव हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ न्यू बटन पे क्लिक करके। एक सेकेंड गाइस, ये मेरे फिर से चेंजेस नहीं ले रहा है शायद, क्या हो गया इसमें, मैं दोबारा से एक बार लॉग आउट लॉग इन इसमें करता हूँ। ये इंटरनेट का इशू भी होता है कई बार, उसकी वजह से भी ये चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट करता। तो मैं एम्प्लॉयज़ को ओपन करता हूँ, न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हो मेरे सामने क्या स्क्रीन खुल के आया, वो मुझसे रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करो, किस तरीके का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो। तो टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ दो तरीके के ऑप्शन वो मुझे यहाँ पे देने उसने शुरू कर दिए, ठीक है। वापस से चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, अभी हम रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। तो वापस से हम इस ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं, तो दो तरीके के रिकॉर्ड टाइप यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो रिकॉर्ड टाइप, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज लेआउट असाइनमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इन फ्यूचर सपोज आपने 10 रिकॉर्ड टाइप बना रखे हैं और आप चाहते हो कि यार मैं ग्राउंड वाले को कोई और सा मतलब पेज लेआउट असाइन कर दूँ, ठीक है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी प्रोफाइल्स दिख रही हैं, और यहाँ पे आप प्रोफाइल के बेस पे भी कर सकते हो कि
जो आपका यूज़र है वो कौन सी प्रोफाइल का है, उसको आप किस तरीके का लेआउट दिखाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। प्रोफाइल वगैरह मैंने अभी डिटेल में नहीं बताई हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें अभी ज़्यादा क्लियर नहीं करी हैं। आगे के लेक्चर में मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपके रिकॉर्ड टाइप का नाम है, ठीक है। और रिकॉर्ड टाइप को आपने कैसे पेज लेआउट असाइन कर रखा है, वो पेज लेआउट ये है कि ग्राउंड स्टाफ को ग्राउंड स्टाफ का रखा है, टेक्नीशियन को टेक्नीशियन का रखा है, सारी प्रोफाइल के लिए। मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एडमिन के लिए जो ग्राउंड स्टाफ है उसको ग्राउंड सिस्टम एडमिन जो मेरी प्रोफाइल है मेरी, इसके लिए ग्राउंड स्टाफ को जो ग्राउंड स्टाफ रिकॉर्ड टाइप है वो ग्राउंड स्टाफ ना करके मैं इसको टेक्नीशियन बनाना चाहता हूँ, तो मैं अगर टेक्नीशियन कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे टेक्नीशियन हो गया ऑटोमेटिकली। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ गाइस, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बस आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से पेज लेआउट असाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से आते हैं हम पेज लेआउट पे। तो दो तरीके के लेआउट मेरे यहाँ पे चल रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ और टेक्नीशियन। और अब जाते हैं हम अपने फील्ड्स पे। अब मैं जब नया फील्ड बनाऊँगा, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि वन सेकेंड, नया फील्ड हम बनाते हैं यहाँ पे, जिसका हम नाम रखते हैं एक्सपीरियंस इन टैक रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ठीक है। कुछ भी मैं एक फील्ड बना रहा हूँ कि टैक रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है उसमें उसको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं इसको सपोज अच्छी खासी लाइन दे देता हूँ जिसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज़ को, नेक्स्ट करता हूँ। अब आप एक चीज़ समझो कि ये जो टैक रिलेटेड ऑक्यूपेशन है ये मैं अपने ग्राउंड स्टाफ को क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरा किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है ग्राउंड स्टाफ का जो मेरा मेंबर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फील्ड सिर्फ मेरी टेक्नीशियन वाले बंदे को दिखे, पेज लेआउट उसको ना दिखे, वो जो मेरा ग्राउंड स्टाफ का बंदा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे खाली टेक्नीशियन को ये फील्ड दिखाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर दिया, मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ, ग्राउंड स्टाफ को ओपन कर लेता हूँ नए टैब में और टेक्नीशियन को ओपन कर लेता हूँ नए टैब में, ठीक है। तो ग्राउंड स्टाफ में आप देख रहे हो कि ये जो एक्सपीरियंस इन टेक्नीशियन वाला फील्ड है ये ऊपर दिख रहा है, यानी ये लेआउट पे नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ ऐड ही नहीं किया था इसके लिए। बट मैं टेक्नीशियन को अगर दिखाऊँ तो ये एक्सपीरियंस इन टेक रिलेटेड ऑक्यूपेशन में ये मेरे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पेज लेआउट पे ये फील्ड मुझे अवेलेबल दिखा रहा है उस चीज़ की, ठीक है गाइस। तो एक चीज़ ये हो गई कि हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि हमें फील्ड कौन सी फील्ड किस लेआउट पे दिखानी है, क्यों दिखानी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सपोज़ मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन नहीं सॉरी, और फील्ड्स मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि फ़ोन नंबर, तो हम फ़ोन टाइप का ही डेटा टाइप ले लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फ़ोन नंबर, दोनों ही लेआउट पे मैं चाहूँगा दिखाना, तो उसको हम ऑल को सेलेक्ट रहने देते हैं, ठीक है। सेव एंड न्यू करते हैं, एक और फील्ड हम बनाते हैं ईमेल, हमें उसकी ईमेल भी कैप्चर करनी है, ईमेल, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये भी हम सबको दिखा देते हैं। सेव एंड न्यू करते हैं, एक और फील्ड मैं बनाता हूँ, इस बार हम एक्सपीरियंस इन प्रीवियस एक्सपीरियंस कि मैं एक फील्ड बनाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये फील्ड सिर्फ मेरी ग्राउंड स्टाफ वाले मेंबर को दिखे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो मैं ये सिर्फ ग्राउंड स्टाफ वाले मेंबर को दिखाना चाहता हूँ,
सेव कर देता है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने लेआउट पे जाता हूँ, ये मेरा ग्राउंड स्टाफ का लेआउट है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ और हम यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा चलो, मैं पहले एक रिकॉर्ड बना के दिखाता हूँ आपको फ्रंट एंड पे। न्यू पे करते हैं क्लिक, और एक टेक्नीशियन का मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हो एक्सपीरियंस इन टैक रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ये आपको फील्ड दिख रहा है इसमें। ये तो मैंने सभी के लिए ऐड करे थे आधार नंबर, और ये टैक रिलेटेड ऑक्यूपेशन टेक्नीशियन के लिए किया था। चलो एक बार हम ग्राउंड स्टाफ का भी देख लेते हैं। तो टैक रिलेटेड ऑक्यूपेशन वाला फील्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला फील्ड दिख रहा है, क्योंकि मैंने वो ऐड ही नहीं किया था इसके लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि जब मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, टेक्नीशियन सेलेक्ट कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये सारे फील्ड्स ऐसे ही मुझे शो हो रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी एक, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो सारे इन्फॉर्मेशन में ही शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग सेक्शन में मुझे दिखे, एक तरीके से मुझे दिखे, तो वो चीज़ें हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज इम्प्लॉय, अभी मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ नेहा शर्मा। ठीक है, DOB मैं इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कुछ भी एक कर लेते हैं। टेक रिलेटेड ऑक्यूपेशन में मैं सपोज लिखता हूँ प्रीवियसली वर्क इन TCS टेक टीम, सपोज कुछ भी एक हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसके डाल रहे हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर में उसका डाल देता हूँ कुछ, वैसे मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी फील्ड मैंडेटरी नहीं बना रखी, तो आप सेव भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो नेहा शर्मा का मेरा ये रिकॉर्ड यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि जो मेरे को लेआउट है वो एक सिंपल सा लेआउट दिख रहा है, कि भाई यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसी स्क्रीन पे दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग सेक्शन में प्रॉपर तरीके से मुझे ये लेआउट अरेंज होके मिले, जो दिखने में भी थोड़ा मुझे क्या लगे, अच्छा लगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ और जो मेरा टेक्नीशियन वाला लेआउट है, टेक्नीशियन वाले लेआउट को ओपन कर लेता हूँ, और इस पे मैं एक सेक्शन बनाता हूँ। सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस सेक्शन को मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, और इस सेक्शन का मैं नाम यहाँ रखता हूँ वर्क एक्सपीरियंस, इसका मैं एक नाम रखता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। तो कैसा दिख रहा है, मैं डिटेल पेज पे दिखाना चाहता हूँ, एडिट पेज पे भी दिखाना चाहता हूँ। एडिट यानी कि जब मैं एडिट कर रहा हूँ उस पेज को, तब भी मुझे वो सेक्शन उसी तरीके से दिखे। ठीक है, एक कॉलम या दो कॉलम, तो दोनों ही कॉलम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वर्क एक्सपीरियंस दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वाली फील्ड इस वर्क एक्सपीरियंस के अंदर दिखे मुझे। ठीक है गाइस, और ये जो इन्फॉर्मेशन वाला मेरा हेडर है, अगर आप इस पर देख रहे हो, ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल पेज पर मैं शो करा देता हूँ। अभी मुझे वो शो नहीं हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, ओके कर देता हूँ इसको, मैंने वो शो करा दिया। सिस्टम इन्फॉर्मेशन को भी मैं यहाँ डिटेल पेज पर अगर शो करा दूँगा तो आप देखोगे कि वो मुझे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, कि क्या शो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दिखा देता हूँ। कि नेहा शर्मा का आप रिकॉर्ड देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, कोई सा भी सेक्शन, इंट्रो, क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी यहाँ पे आपको सेक्शन का नाम नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अभी जो दो प्रीवियसली बने हुए आते हैं यहाँ आपके इन्फॉर्मेशन के, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के, बट ये आपको एडिट पेज पर शो होते हैं, डिटेल पेज पर शो नहीं होते। बट अभी मैंने शो करा दिए, एक मैंने नया भी बना दिया। ठीक है, ईमेल को हम थोड़ा सा इस साइड में डाल देते हैं। ठीक है, तो तीन तीन चीज़ें यहाँ पे दोनों डाल दी मैंने यहाँ पे। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, होपफुली वो चेंजेस मेरे ले लेगा। ओके, अभी आप देखो ये कितना प्यारा यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं ये इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें दिखा रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया, सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखा दिया। ऐसे ही मल्टीपल कितने भी सेक्शन और कितने भी फील्ड बना सकते हो अपने, और ये मेरा सिर्फ इस लेआउट के लिए काम हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखोगे गाइज नेहा शर्मा के लिए, आपको ये कितना प्यारा दिख रहा है, क्योंकि ये टेक्नीशियन लेआउट है, इसको मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी सेट। बट मैं अगर अरुण का ओपन करता हूँ, या फिर शायद अरुण समीर, मैंने किसको बनाया था, अच्छा ये देखो, इस पे देखो ना आपको टेक्नीशियन वाला फील्ड दिख रहा, ना आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला फील्ड दिख रहा, क्योंकि ये तीन रिकॉर्ड मेरे पहले के बने हुए थे। ठीक है, तो ये आपका जो एम्प्लॉय का डिफॉल्ट लेआउट था, उस लेआउट के अकॉर्डिंग सेट हुए हुए हैं। बट मैं अगर यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना देता हूँ, जिसका नाम मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए बनता हूँ, और उसका नाम मैं रखता हूँ
रमेश शुक्ला, ठीक है, DOB इसकी हम रखते हैं, ठीक है, और इसको प्रीवियस एक्सपीरियंस लिख देते हैं, इसके वर्क विद मल्टीपल MNC, ग्राउंड स्टाफ टीम्स, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये पेज लेआउट मुझे उतना अच्छा नहीं लिख रहा है क्योंकि मैंने इसको सेट ही नहीं किया। मैंने किसको सेट किया है गाइस? टेक्नीशियन के लेआउट को मैं प्रॉपर सेट कर चुका हूँ, ठीक है। तो सेम इसको भी हम सेट कर देते हैं, जो रमेश शुक्ला है आपका, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस वाला, इसको हम जाते हैं, लेआउट को ओपन करते हैं, एक सेक्शन हम इस पर भी ड्रैग कर देते हैं, ठीक है गाइस। इसका नाम भी हम वर्क एक्सपीरियंस ही रखते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस वाली फील्ड डाल देता हूँ, इसको ईमेल को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं साइड में, ये लेआउट भी हम अपने विजिबल करा देते हैं डिटेल पेज पे, ठीक है, और इसको भी मैं विजिबल करा देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपको हाइड करनी है आप पेज लेआउट से गाइस हाइड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सेव कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे ये चेंजेस भी सेव हो गए। चलो, ये तो बात हो गई मेरी अभी इतनी कि भाई मैं किस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को शो करा रहा हूँ, पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप में क्या डिफरेंस है, क्यों हम रिकॉर्ड टाइप वगैरह पेज लेआउट वगैरह सेट करते हैं, ठीक है। तो नेहा शर्मा का अलग रिकॉर्ड दिख रहा है और वो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा चलो, फ्रंट एंड पे मैं ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूँ, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि भाई यहाँ एम्प्लॉय नेम ही शो हो रहा है खाली, मेरे को दो तीन चीज़ें और दिखानी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले, इस पर आप जाओगे तो इस पर आप DOB और क्या कहते हैं रिकॉर्ड टाइप, सपोज मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये मेरे क्या है, टेक्नीशियन है, रमेश शुक्ला मेरा क्या है, ग्राउंड स्टाफ है। तो कितना बढ़िया यहाँ पे मुझे व्यू दिख रहा है कि मैं इजीली देख पा रहा हूँ कि भाई मेरा कौन टेक्नीशियन है कौन ग्राउंड स्टाफ है। तो उसके बेस पे मैं यहाँ पे फिल्टर भी बना सकता हूँ, फिल्टर के बेस पे क्राइटेरिया, और उसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो चीज़ें आगे देखते जाएंगे एक एक करके। चलो, अब एक चीज़ और मैं पेज लेआउट पे आपको एक्सप्लोर करके बता देता हूँ कि और क्या होता है। ये इतना तो हो गया, चलो ये इन्फॉर्मेशन जो आपकी थी ये तो पेज की हो गई। ये जो आपके बटन वगैरह हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये बटन जो आपको दिख रहे हैं फ्रंट एंड पे, मैं अगर जाऊँ नेहा शर्मा का रिकॉर्ड ओपन करूँ तो ये न्यू कॉन्टैक्ट, एडेड न्यू अपॉर्चुनिटी, ये दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड बटन मुझे बने बनाए यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे बटन मुझे कहाँ से शो होते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यू कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी, ये सारे बटन मुझे यहाँ से शो होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मैं कस्टम बटन बनाता हूँ इन फ्यूचर, ये आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो वो बटन मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ डाल सकता हूँ और वो यहाँ पे पेज लेआउट पे शो करा सकता हूँ, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, ये आप देख रहे हो रिलेटेड लिस्ट का एक ऑप्शन। तो जैसे ही रिलेटेड लिस्ट मैंने सेलेक्ट करा, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन एक्टिविटीज़, एक्टिविटी हिस्ट्री, नोट्स एंड अटैचमेंट, एयरलाइन, ठीक है। अच्छा, एयरलाइन भी आपको दिख रहा है, एम्प्लॉय के अंडर में एयरलाइन दिख रहा है, ठीक है। चलो, इसका क्या मतलब है, यहाँ रिलेटेड ऐप टैब दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये नोट्स एंड अटैचमेंट और ये एक्टिविटी वगैरह तो यहाँ पे आपको शो हो रही है, एयरलाइन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का किस किस ऑब्जेक्ट से रिलेशन है ना, हमने रिलेशनशिप बनाए थे ना, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एयरलाइन से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे दिखाई देगा, रिलेटेड में दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ एयरलाइन को ओपन करता हूँ। तो एयरलाइन को जब मैंने ओपन किया, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे गया, तो वन सेकेंड, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया, वन सेकेंड गाइस, ये मैं थोड़ा क्लियर उनके लिए कर रहा हूँ जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस देखते हुए आ रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या हो रही है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जंक्शन ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, ठीक है। तो जंक्शन ऑब्जेक्ट के वजह से यहाँ पे मुझे वो एयरलाइन दिख रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, इसका रिलेशनशिप है मास्टर डिटेल एयरलाइन के साथ भी और एम्प्लॉय के साथ भी, ठीक है। तो एम्प्लॉय के रिलेटेड में मुझे वो ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से वो कनेक्टेड है और ऑन बोर्डिंग उसमें मेरा एक जंक्शन ऑब्जेक्ट है। ये चीज़ मैं इसमें एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बट प्रीवियस लेक्चर गाइस जो भी इस वीडियो का पहली बार देख रहा है वो जाके देखो कि जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मेरा रिलेटेड में समझाने का मतलब ये था कि इस ऑब्जेक्ट का जिस जिससे रिलेशनशिप है वो सारे ऑब्जेक्ट मुझे रिलेटेड में दिखते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कॉम्पैक्ट लेआउट। तो कॉम्पैक्ट लेआउट क्या होता है मैं वो और बता देता हूँ लास्ट आपको। कॉम्पैक्ट लेआउट पे हम चलते हैं। तो सिस्टम डिफॉल्ट अभी यहाँ पे एक सेट हुआ हुआ है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोन कर लेता हूँ। और एक मैं, अरे यार गाइस, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे करना है ना मेरे काम। तो कॉम्पैक्ट लेआउट पे जाते हैं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोन करके एक नया कॉम्पैक्ट लेआउट बना लेता हूँ, जिसका हम नाम रखते हैं एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट, ठीक है। और मैं कॉम्पैक्ट लेआउट पे एम्प्लॉय का नेम और उसका डीओबी और उसका ऑनर, ये तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने ये करके सेव कर दिया, ठीक है। इस दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉम्पैक्ट लेआउट असाइनमेंट पे जाता हूँ, एडिट असाइनमेंट करता हूँ। और दोनों के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसके लिए भी अपना एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट और इसके लिए भी एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट मैंने असाइन कर दिया दोनों को और सेव कर दिया। तो यानी कि कॉम्पैक्ट लेआउट दोनों के लिए, दोनों रिकॉर्ड टाइप के लिए मैंने एम्प्लॉय कॉम्पैक्ट लेआउट सेट कर दिया। अब मैं जाके जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप एक नया चेंज यहाँ पे देखोगे, वो चेंज ये रहा कि कॉम्पैक्ट लेआउट यानी कि उसके जो ऊपर वाला जो ये हेडर है ना, इसके अंदर डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है। क्योंकि देखो अभी ये आपको बहुत छोटा लेआउट दिख रहा है, इसमें चार पांच फील्ड मैंने सारे डाले, बट ऐसा भी होता है कि 100 100 फील्ड का लेआउट है, उसमें पाँच पाँच दस दस सेक्शन बने हुए हैं और स्क्रॉल करना पड़ रहा है आपको पेज को नीचे। आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है की इन्फॉर्मेशन जिसको आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली मुझे यहीं दिख जाए, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े उसके लिए, तो वो कॉम्पैक्ट लेआउट से सेट होती है। तो कॉम्पैक्ट लेआउट के अंदर आप वो चीज़ें डालोगे, जैसे मैंने डीओबी और ऑनर उसका दिखाया, तो मैं चाहता था कि ऑनर मुझे यहीं पे दिख जाए, मुझे स्क्रॉल करके नीचे ना जाना पड़े कहीं पे ऑनर नीचे डाला हुआ है, उसके लिए मैंने यहीं पे कॉम्पैक्ट लेआउट सेट कर दिया अपना। तो ये मैंने दोनों के लिए सेट किया है, तो आपको दोनों पे दिखेगा। रमेश शुक्ला भी मैं ओपन करूँगा तो उस पर भी आपको ये कॉम्पैक्ट लेआउट के चेंजेस दिखेंगे। तो उसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पैक्ट लेआउट बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप के लिए भी, डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट बना सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप के लिए। रिकॉर्ड टाइप क्यों बनाते हैं, कितना अच्छा है कि ये टॉपिक है, कितनी अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप बना के, उसके डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट बना के और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पैक्ट लेआउट बना के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, ये तीनों चीज़ों का यूज़ समझ आया होगा। जिस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे धीरे धीरे तो और बेटर क्लियर भी होता जाएगा, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जो हमारी इंटरकनेक्टेड है प्रीवियस वीडियोस से, तो प्लीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो स्टार्टिंग से वो सीरीज़ फॉलो करो, क्योंकि ऐप वगैरह एप्लीकेशन वगैरह मैंने सारी चीज़ें बनवाई हैं। और वो जो अभी जैसे जंक्शन ऑब्जेक्ट का एक सामने आया था कि रिलेटेड में वो पढ़ा था बट कोई रिलेशनशिप वहाँ नहीं दिख रहा था मुझे, तो वो क्योंकि जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उसको बना रखा है। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में, और अगर कुछ भी इशू लग रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। तो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू।